प्रदेश में इन दिनों परिवहन विभाग का एक फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। परिवहन विभाग की ओर से रोडवेज ड्राइवरों के लिए एक आदेश जारी कर ड्राइविंग सीट के सामने डेस्क बोर्ड पर परिवार की फोटो लगाने का आदेश जारी किया है। हालांकि विभाग की ओर से जारी इस आदेश का ड्राइवर भी विरोध जता चुके हैं, लेकिन आमजन में यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस तरह के आदेश की आवश्यकता क्या थी और फोटो लगाने का उद्देश्य क्या रहेगा। इसके पीछे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का तर्क है कि ड्राइवर अपने सामने परिवार का फोटो लगाकर ड्राइविंग करेंगे तो अधिक सेफ ड्राइविंग कर सकेंगे, साथ ही सामने परिवार की फोटो रहने से उन्हें हर क्षण सावधानी रखनी होगी। ये इस तरह का जो भी आदेश निकलता है वो कोई हार्ड एंड फास्ट कोई जबरदस्ती तो ना कर रहे हैं आपके साथ कि भाई आप जबरन ही लगा लीजिए। यदि कोई आदमी अपने परिवार का फोटो लगाए तो ये एक अच्छी बात है, भगवान का भी लगाया, परिवार का भी लगाया, बच्चे का लगाए के रखते हैं लोग। वो सिर्फ इसलिए एक पॉजिटिव थिंकिंग की आई कि साहब यदि फोटो लगा के रखेगा तो उसके दिमाग में रहेगी कि मेरा परिवार है, मैं खुद सुरक्षित रहूँगा तो मेरे परिवार के लिए ज़्यादा काम होगा। कोई शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाए, लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाए, स्पीड से नहीं दौड़ाए, हमारे सामने हमारा परिवार हमेशा दिखता रहे, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग है कि सड़क दुर्घटनाएँ होते हैं, सड़क दुर्घटनाओं को रोकना हमारा मकसद है। कोई जबरन फोटो थोड़ा लगवा रहे हैं हम, भाई आज फोटो लगा ही ले। यदि इस तरह का कोई आदेश है तो वो पॉजिटिव थिंकिंग है, एक सोच आदमी को सुकून रहे मन में। कई बार टेंशन होती है, गुस्सा आता है, आदमी गाड़ी तेजी से दौड़ाता है, ड्रिंक कर लेता है, ऐसे में आदमी के मन में ये विचार हो कि मैं खुद को सुरक्षित रखूंगा तभी सामने वाले को सुरक्षित रख पाऊंगा।